गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हम क्लास फोर्थ का चैप्टर थर्ड पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, इससे जो पहले चैप्टर्स थे उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। चैप्टर हम थर्ड कर रहे हैं आज, इसको हम क्लास में कर चुके हैं बट इसकी वीडियो हम बना रहे हैं फिर से, ठीक है। दैट इज द चैप्टर्स नेम क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, प्लेइंग टाइम इज फन टाइम। अच्छा बताओ, खेलना किसको अच्छा नहीं लगता? खेलना तो सबको अच्छा लगता, कोई भी बच्चा हो उसको खेलना बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ाई करना अच्छा लगे ना लगे बट खेलना उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दैट इज आई एम अ चाइल्ड, आई एम नॉट मीन टू सिट स्टिल, कीप माई हैंड टू माई सेल्फ, टेक टर्न स्टैंड इन अ क्यू, बी अ पेशेंट एंड आई नीड नोट, आई नीड मोशन नोवेल्टी एंड एडवेंचर, आई नीड प्ले एंड ट्रस्ट मी, आई एम अ लर्नर। यानी कि क्या हुआ, मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, और मुझे बिल्कुल भी खाली बैठना पसंद नहीं है, मुझे कुछ कुछ करना पसंद होता है। टेक टर्न स्टैंड इन क्यू एंड बी अ पेशेंट, मुझे मतलब बोल सकते हैं कि मुझे मतलब खेलना बहुत पसंद है, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, सिट आइडल, आई कांट सिट आइडल, ठीक है। बच्चे तुमने कभी देखा है कि मैंने मतलब कोई भी छोटा बेबी होगा 2-2.5 साल का, वो कभी भी एकदम शांत बैठा है कभी? ऐसा नहीं, बस वो सोता है तो ही शांत होता है, अदरवाइज क्या करता है, वो नई नई एक्टिविटी करता है। नई नई एक्टिविटी से क्या होता है, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं हम, वो क्या है, एक लर्नर है, नया क्या है, एकदम ट्रस्ट है, वो क्या है, एक लर्नर है। जब भी कोई बच्चा, अगर मान लेते एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आग जल रही होती है, उसको बच्चे को मना करते हैं बेटा डोंट टच दैट, तो वो क्या करते हैं, उसको समझ में ही नहीं आएगा उसको छूना है कि नहीं। एक बार वो मतलब अगर जैसे मम्मा इधर उधर होंगी तो क्या करेगा, वो छूकर देखेगा, जैसे ही छूकर देगा समझ में आ जाएगा वो गर्म है, उसके बाद वो कभी वो काम नहीं करेगा। पर वो पहले तो करता है, इसका मतलब उसने चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, चीज़ों को, वो हर चीज़ को सीखता है, वो ऐसा नहीं है कि छोड़ेगा ना, सब चीज़ सीखेगा, ठीक है। प्लेइंग टीचर्स अस हाउ टू फेस द वर्ल्ड, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू कम्युनिकेट एंड एंजॉय थिंग्स। यानी कि जो हम गेम्स खेलते हैं या फिर कुछ भी गेम कुछ भी करें तो हमें क्या होता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम बोल सकते हैं कि हम जैसे मान लो हम कोई गेम खेलते हैं तो हमें जब गेम में खेलेंगे तो ही हमें समझ में आएगा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि गेम्स होता है हमारे माइंड की एक्टिविटी क्या करता है, बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, हमें गेम्स जो होते हैं रनिंग वाले, खेलने कूदने वाले गेम्स खेलने चाहिए, ठीक है। वो हमें सिखाते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, कैसे वर्ल्ड को फेस करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे टीम वर्क करते हैं, ये सब क्या करता है ना, गेम ही तो सिखाता है। रिक्रिएशन इज डूइंग समथिंग टू रिलैक्स एंड हैव अ फन। रिक्रिएशन की बात करेंगे तो वो क्या क्या करता है, वो फन के लिए मतलब हैविंग फन की बात, रिलैक्स करता है और फन मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। There are several means of recreation. मतलब ऐसा नहीं है कि recreation का मतलब सिर्फ एक ही होता है, बहुत सारे meaning होते हैं, but the most relaxing of them is playing games. But अगर हम बात करेंगे games के according, तो क्या होता है, games में बहुत ज़्यादा relax, मतलब अगर हम game खेलते तो जैसे मान लो अगर हम कोई problem है, problem in the sense जैसे हम लोग सुबह से पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि जाके खेल लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम खेलते तो हमारा जो माइंड का सर्कुलेशन, माइंड का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं आफ्टर स्टार्टिंग कुछ भी करना, तो अगर हम खेल लेते तो बहुत अच्छा फील करता है, ठीक है। विच इज़ योर फेवरेट गेम, आप यहाँ पे लिखोगे तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है, इज इट आउटडोर और इंडोर, जो आपको पसंद है वो आउटडोर गेम है कि इंडोर गेम है, इज इट अ टीम गेम और अ सोलो गेम, जो आप गेम खेलते हो वो टीम गेम है कि सोलो, सोलो का मतलब है सिंगल, आप अकेले, जैसे कि कैरम, जैसे कि हम फोन पे जो गेम खेलते हैं वो क्या, तो सोलो गेम होता है, दैट इज, ठीक है। तो हमें फोन से गेम खेलना वो मैटर नहीं, वो मतलब हमें फोन से गेम नहीं खेलने होते हैं, अगर हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि हमें क्रिकेट खेलना है, रनिंग करनी है, पकड़म पकड़ाई खेलने, ये सारे गेम्स होते हैं खेलने वाले, जिससे हमारा माइंड का और बॉडी का सर्कुलेशन बनता है। ऐसा नहीं कि गेम खेलो लिया फोन और बैठ गए भाई फोन पे लगे पड़े गेम, दैट इज नॉट अ गेम, ठीक है।
कैरम बोर्ड होता, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं आप, हम ये सारे गेम्स खेल सकते हैं, बट आप फोन पे जो गेम खेल रहे हो तो वो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन नहीं बढ़ाता है, ठीक है। गेम्स एट होम, घर पे कौन कौन से गेम्स होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं, जैसे कैरम हुआ, चेस हुआ, वीडियो गेम हुए, ये सारे घर के गेम इंडोर गेम्स होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। आउटडोर गेम्स कौन कौन से, क्रिकेट हुआ, हाइड एंड सीक हुआ, पिट्ठू पिट्ठू गेम हुआ, इनके ये सारे गेम्स होते हैं आउटडोर गेम्स होते हैं। बोथ टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंटरेस्टिंग एंड वेरी पॉपुलर अमंग गेस्ट चिल्ड्रेन, कि ये सारे गेम्स आप लोगों ने खेल ही रखे होंगे, ठीक है। दे आर डिफरेंट गेम्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप, यानी कि बहुत सारे अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग गेम्स होते हैं। गेम्स प्लेड एट स्कूल आर रिलेटेड टू लर्निंग, सम ऑफ द गेम्स आर प्लेड इन साइड द क्लास रूम लाइक क्रॉसवर्ड, जिग्सॉ पजल एंड डम डम कैरेट, ठीक है। यानी कि ये बहुत सारे गेम्स होते हैं जो स्कूल में खेले जाते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे क्रॉसवर्ड की, जिग्सा पजल, क्रॉसवर्ड बोल सकते हैं, जैसे कि हम अंताक्षरी टाइप की खेलते हैं ना, जैसे कोई भी वर्ड दिया आपको, लिखा बोला एलिफेंट, तो TELEPHANT, टी की स्पेलिंग जो लास्ट में आएगी उससे आप बताओगे, टाइगर बताओगे, इस टाइप से क्रॉसवर्ड टाइप के गेम्स होते हैं। जिग्सा पजल कौन सा गेम होता है, जो अगर हम बात करें, कोई आपको पिक्चर दे दी, ठीक है, जैसे आपको लिखा कि आपको बनाए डॉग बनाना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो उनके पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसको क्या करोगे आप, उसको उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कौन सा पार्ट आएगा, ठीक है, इस टाइप से। और ये कौन से गेम, दे आर ब्रेनी गेम्स, इनसे क्या दिमाग वाले गेम्स होते हैं, वे जनरली आर प्लेड इन ग्रुप इन द गेम पीरियड, सम गेम्स आर प्लेड इन द स्कूल प्ले ग्राउंड लाइक हाइड एंड सीक, क्रिकेट एंड हॉकी, कुछ गेम्स होते हैं जो ग्राउंड में खेले जाते हैं, कुछ क्लासरूम में खेले जाते हैं। दे कैन बी प्लेड इन द पार्क नियर आर हाउसेस बट नॉट ऑन रोड, मतलब कुछ ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, कुछ पार्क में खेले जाते हैं, आप घर में खेल सकते हो बट रोड पर नहीं खेल सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमें इंजरी मतलब होता है, हमें चोट लग सकती है, और हमें तो चोट लगेगी लगेगी, बाकी के दूसरे भी डिस्टर्ब होंगे ना रोड पर अगर हम गेम खेलेंगे तो। ये इंडोर गेम्स हैं, ये आउटडोर गेम्स हैं, ये वो देख लो, ये दैट इज जिग्सॉ, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, जिग्सॉ पजल, इसको बोलते हैं हम जिग्सॉ पजल, ठीक है। ये क्रिकेट हो गए, ये हॉकी हो गई, आउटडोर गेम्स हो गए, आप इन सबके नाम लिखोगे, ये कौन कौन से गेम हैं, ठीक है। खुद से कोच क्या होता है, देखो कोच अगर हम बात करेंगे, कोच जो होते हैं वो हमें एक सही डायरेक्शन में गेम खिलाते हैं, मतलब जैसे कि हम, ऐसा नहीं है हमें गेम खेलना नहीं आता, हम खेलते हैं, बट उनका तरीका हमें, जैसे हम टीचर, जैसे कि बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बट टीचर्स उनको अच्छे से ट्रेंड करते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ऐसे कोच का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो कोच आपको बताता है कैसे गेम खेलना होता है, कहाँ से आपको, मतलब जैसे कि हम क्रिकेट की बात करें, कहाँ से पिच लगानी होती है, और ये बहुत सारे रूल्स होते हैं, दैट इज़ आई डोंट नो अबाउट द क्रिकेट गेम बट देर आर मैनी रूल्स इन द गेम, ठीक है। अ कोच इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ द गेम हु टीचेस ऑल द स्किल ऑफ द गेम और शॉट और द स्पोर्ट्स ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है। The experience, knowledge and training of the coach help the players to perform well. यानी कि वो क्या करते हैं, जब जो कोच होते हैं वो अच्छा, जब जिसका कोच होता है अपने प्लेयर को बहुत अच्छे से ट्रेंड करता है ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। प्लेइंग टुगेदर, इसके महत्व क्या होता है, इम्पॉर्टेंट क्या होता है प्लेइंग टुगेदर का, प्लेइंग टुगेदर का मतलब होता है कि साथ में लोग, साथ में खेलना, साथ में, आप जब साथ में खेलते हो ना तो पता है आपके पास क्या आता है, आपको ग्रुप में, आप मतलब अगर आप ग्रुप में खेलते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको वाइल प्लेइंग इन अ ग्रुप और टीम मेक श्योर दैट ऑल चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्लेइंग और नो वन इज इग्नोर, यानी कि अगर आप गेम में खेलते हो तो, अगर हम सब लोग खेलते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी किसी को भी इग्नोर किया जाए, नहीं, जब हम गेम खेलते हैं हम सारे के सारे मेंबर्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो हम सारे के सारे अपनी टीम के लिए खेलते हैं, ऐसा नहीं होता कि हम अपने लिए गेम खेलते, नहीं, हम चाहते हैं कि हमें टीम जीते, ये एक टीम वर्क गेम होता है, ठीक है। बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन प्ले ऑल द गेम्स टुगेदर, कि बॉयज़ और गर्ल्स आराम से एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम बॉयज़ के साथ नहीं खेलेंगे, हम गर्ल्स के साथ नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप आराम से खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। प्लेइंग टुगेदर इंक्रीजेज कॉन्फिडेंस, हारमोनी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जब हम साथ में खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे
हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट करते हैं और हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। ये हमें क्या ना, ये हमें एक टीम वर्क की तरह हम काम करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। वी शुड नॉट बी बेस्ड टुवर्ड्स कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ अ प्लेयर। हमें किसी भी, मतलब हमें ऐसा नहीं है किसी कास्ट पे जाके कि कोई ये कास्ट का है तो हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। बहुत सारे लोग जो नीची कास्ट होते हैं, मतलब ये हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दैट इज़ वेरी बैड थिंग। रिलीजन कोई भी, मतलब ये कुछ भी मैटर नहीं करता, ना हमारे, ना तो हमारे रिलीजन मैटर करता, ना कास्ट मैटर करता, ना किसी की इकोनॉमिक कंडीशन मैटर करती। जब हम एक टीम वर्क में, जब हम टीम खेलते हैं, टीम की तरफ से खेलते हैं, तो वो सिर्फ हमारा पर्पस होता है कि उस टीम के प्रति पूरा पूरी जिम्मेदारी लेना कि हमें इस टीम को जिताना है, विन करवाना है, ठीक है। प्लेइंग अ फेयर गेम। एवरी चाइल्ड इज एक्साइटेड अबाउट द टाइम व्हेन ही और शी गेट्स द टाइम टू प्ले। यानी कि हर बच्चे को एक्साइटमेंट होता है कि हम कब खेलेंगे। प्लेइंग टूगेदर हेल्प अस टू मेक फ्रेंड्स एंड प्लेइंग। प्ले टाइम इज टोटली फन टाइम। और प्ले टाइम के लिए पूरा फन टाइम हो। दिस इंजॉयमेंट मस्ट नॉट बी रूइंड बाय इंडल्जिंग इनटू फाउल प्ले। जब हम खेलते हैं तो हमें कभी बीच में झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा मजा खराब कर देता है हमारा, ठीक है। द रूल्स मस्ट बी डिसाइडेड बिफोर द गेम बिगिंस सो दैट देयर इज नो स्कोप फॉर चीटिंग और क्वेरल। इनकी जो रूल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, तो ताकि रूल्स हमने इसलिए तो बनाए ताकि कोई बेईमानी ना कर सके, दैट इज कोई डिसऑनेस्ट ना, कोई चीटिंग ना कर सके, ठीक है। वी मस्ट बी पेशेंट एंड सॉल्व ऑल द डिस्प्यूट्स एमिकेबली रैदर देन अब्यूजिंग और पुशिंग ईच अदर। यानी कि ठीक है, हमें जब हम गेम खेलते हैं तो हमें पेशेंस होना चाहिए। अगर मान लो झगड़ा हो भी जाता है, अगर झगड़ा होता तो हम उसे फ्रेंडली, एमिकेबली, मतलब फ्रेंडली अच्छे से उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। हमें गाली नहीं देनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। वी मस्ट हैव द स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट। बिसाइड गेम देयर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन टू, लाइक विजिटिंग अ सर्कस और फेयर, प्लेइंग अ काइट और स्पिनिंग अ टॉप। लेट अस नो अबाउट देम। यानी कि देखो तो गेम होते हैं कि बहुत सारे, इनके अलावा बहुत सारे गेम्स होते हैं, लाइक सर्कस में जाना, फेयर मतलब मेला में जाना, काइट उड़ाना, स्पिनिंग द टॉप, आपने देखा होगा लट्टू टाइप का कुछ होता था पहले टाइम में, पता नहीं मुझे होता है कि नहीं, उसको हम घुमाते थे, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन दे रखे, खुद करोगे। डू यू ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। देखिए यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कि आप अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पढ़ोगे, आप इसका आंसर दोगे। यहाँ पे आप हमेशा रूल फॉलो करते, हमेशा करते कभी नहीं करते, समटाइम्स करते, जो आपको लगे आप अपने ऊपर देखते हैं क्या फॉलो करते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। डू यू आर्ग्यू और फाइट वाइल प्लेइंग। क्या आप खेलते टाइम झगड़ा करते हो किसी के साथ। Do you become impatient while playing? क्या जब आप खेलते हो तो impatient हो जाते हो, ठीक है। Do you listen to the umpire? आप अपने umpire की सुनते हो कि नहीं, आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, जितने भी आपको। Visit to circus. सर्कस में कौन कौन गया, अच्छा बताओ जल्दी से, सर्कस में आप लोगों में से कोई गया है। सर्कस में क्या होता है बच्चों, सर्कस में पहले टाइम पे सर्कस होता था, अब तो बहुत रेयर हो गया। क्यों? क्योंकि पहले टीवी नहीं होती थी, फोन्स नहीं होते थे, अब तो आप टीवी, फोन्स, रेडियो, पता नहीं क्या क्या होता है, अब आराम से, मतलब टीवी होती है, फोन्स होते हैं, आईफोन्स होते हैं, बहुत बड़े लैपटॉप होते हैं, ठीक है, ये सारे होते हैं, अब तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर्कस वगैरह की। और सर्कस इज अ कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स दैट इंक्लूड्स क्लोन्स, एक्रोबेट्स, ट्रेंड एनिमल। ये सब क्या कर दिया, देखो वहाँ पे सर्कस में क्या होता था, जोकर होते थे जो कि हमें हंसाते थे, और कुछ ट्रेंड एनिमल्स होते थे जिनकी हम उनको देख, इतने ट्रेंड होते थे एनिमल्स जो कि जैसा वो उनके कोच, जैसा उनका ट्रेनर बोलता था वैसा कि वैसा एनिमल्स करते थे। इट इज़ एन ओल्ड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन परफॉर्म। इनकी ये पहले टाइम का इंजॉयमेंट का तरीका था। अब तो हमारे पास, सबके पास क्या है, फ़ोन है, टीवी है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। अब ये क्या, फ्लाइंग काइट। अच्छा बताओ पतंग किस किस ने उड़ाई है बच्चों, सब ने उड़ाई है ना पतंग, ठीक है। यहाँ पे क्या, पतंग कैसे, क्योंकि इन इंडिया काइट्स आर फ्लोन ऑन फेस्टिवल लाइक मकर संक्रांति, रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे। जो पतंग उड़ाई जाती है हमारे यहाँ, मकर संक्रांति पे उड़ाई जाती है, रक्षाबंधन पे भी उड़ाई जाती है, इंडिपेंडेंस डे भी, और बाकी हम कभी भी उड़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारे फेस्टिवल पे ही उड़ाएं, हम उड़ा तो सकते हैं, नो वी डोंट हैव एनी।
प्रॉब्लम, बट क्या है हमारे पास कुछ फेस्टिवल होते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, हालांकि हम इनको उड़ाते हैं. काइट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, जो काइट्स होती है उनकी डिफरेंट शेप होते हैं, कलर होते हैं, साइज होता है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है. काइट्स फ्लाइज ट्राई टू कट, हम जो पतंग उड़ाते हैं तो हम क्या करते हैं एक दूसरे का मंजा काटते हैं. क्या काटते हैं हम? मंजा काटते हैं, ठीक है. जो तो क्या होता है वहाँ पे, क्या होता है कंपटीशन चल रहा होता है कि हम किसकी पतंग काटते हैं, किसका मंजा काटते हैं, ठीक है, उस टाइप से. इट इज़ बेटर टू फ्लाई काइट इन फील्ड एंड पार्क रेदर देन द टेरेस. मतलब हमारे लिए क्या होता है बेटर कि हम जो पतंग उड़ाएं वो हम अपने हम पार्क में या फिर फील्ड में नीचे मतलब कहीं भी उड़ाएं. टेरेस का मतलब छत पर नहीं उड़ाएं, टेरेस पर मतलब सेफ नहीं होता, क्योंकि हम पतंग में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि आगे दीवार है कि नहीं है कि नहीं. बस बहुत सारे बच्चे छत से गिर जाते हैं वाइल फ्लाइंग द काइट, ठीक है. तो ये हमें छत पर नहीं उड़ानी चाहिए. देखो इसकी ये है लट्टू, जिसको मैं बता रही थी, इसको बोलते हैं लट्टू. इसको दोनों हाथों से स्पिन करते हैं और घुमाते हैं, छोड़ देते हैं. ये बहुत गजब तरीके से घूमता, बहुत टाइम तक घूमता रहता है ये लट्टू. और अ टॉप इज अ पियर शेप टॉय दैट इज स्पन एंड फ्लैट सरफेस बाय पुलिंग स्ट्रिंग वुंड्स अराउंड इट, ठीक है. यानी कि इसको हम घुमाते हैं तो आराम से बहुत टाइम तक घूमता रहता है. फेयर का मतलब क्या होता है बच्चों? मेला होता है. फेयर का मतलब क्या होता है? मेला. हमारे यहाँ जो मेला होते हैं कब कब लगते हैं, देखो बहुत सारे, हमारे यहाँ इंडिया क्या बहुत बड़ा देश है और उसमें क्या बहुत सारे फेस्टिवल कहीं ना कहीं आपको होते रहते हैं. कोई कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है कहीं, कुछ कोई फेस्टिवल चल रहा है कहीं, कुछ फेस्टिवल है, मतलब पूरे टाइम हमारे इंडिया में आपको कहीं ना कहीं फेस्टिवल देखने को मिल जाएगा, ठीक है. जैसे कि दिवाली ये तो बहुत फेमस फेस्टिवल है हमारे, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, कुंभ मेला. ये कुंभ मेला कब होता है? 12 साल में एक बार होता है ये. और ये कहाँ होता है? यूपी के प्रयागराज में होता है. कहाँ होता है ये? 12 साल में एक बार होता है, ठीक है. ठीक है. देयर आर सेवरल फन एक्टिविटीज एट द फेयर. यहाँ पे जो मेला होता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे गेम्स होते हैं, पपेट मतलब होता है कठपुतली वाले गेम होते हैं, फूड स्टॉल होती हैं, खाने की स्टॉल्स होती हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है. दीज फेयर लास्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप इंजॉय हेयर. मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के आते हैं, सब बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं. इंडिया ऑल्सो होस्ट लार्ज फेयर लाइक, और इंडिया जो बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल कराता है, लाइक जैसे बुक फेयर हो गया, और ये क्या हो गेरा ऑटो एक्सपो हो गया, क्राफ्ट मेला, ये सारे फेस्टिवल इंडिया कराता रहता है, ठीक है. हैव यू एवर विजिटेड अ फेयर? क्या आप कभी भी किसी भी मेला में गए हो? अगर गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है. ये क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेइंग गेम्स. गेम्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो प्लेइंग गेम्स कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. मैंने क्या बोला था? अगर हम कोई भी रनिंग वाले गेम, बॉडी एक्टिविटी वाले गेम खेलेंगे तो हमें क्या होगा? हम उससे फिट एंड हेल्दी रख पाएंगे, ठीक है. इट कीप अस हेल्दी एंड रिलैक्स आवर बॉडी एंड माइंड. और हमारी बॉडी और माइंड क्या करेंगे? रिलैक्स होंगे. इट कीप्स अस टू मेक फ्रेंड्स, डेवलप अ टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप क्वालिटी. और ये हमारे अंदर क्या डेवलप करते हैं? ये बोल सकते हैं हमारे अंदर टीम वर्क कैसे किया जाता है, लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, कैसे फ्रेंड्स बनाए जाते हैं, ये सारी की सारी क्वालिटी हम डेवलप कर सकते हैं वाइल प्लेइंग द गेम. वी लर्न टू ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल. और हम जब गेम खेलते हैं वाइल वी प्लेइंग गेम, हमें क्या करना चाहिए? वो सारे के सारे लोग जितने भी टीम में होते हैं वो एक हमें इक्वल ट्रीट करने चाहिए, ठीक है. इट इंक्रीज बॉन्डिंग बिटवीन फैमिली मेम्बर एंड फ्रेंड्स. ये हम गेम खेलते हैं क्या करते हैं? फैमिली मेम्बर हमारे बीच में एक बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है. ये क्विक रिकैप है, आप आराम से पढ़ लेना. इट इज़ एन इंडोर गेम. इंडोर गेम कौन सा? क्रिकेट या हॉकी या चेस? चेस होता है इंडोर गेम, राइट. इट इज़ अ ब्रेनी गेम. ब्रेनी गेम कौन सा था? जिग्सो पजल था. क्रिकेट मस्ट बी प्लेड इन अ, क्रिकेट कहाँ खेलना चाहिए हमें? बरांडा रूम या प्लेग्राउंड में? ऑब्वियसली प्लेग्राउंड में खेलनी चाहिए ना हमें. कहाँ? प्लेग्राउंड में. वी फाइंड क्लोन्स. क्लोन्स का मतलब था जोकर. जोकर कहाँ मिलता है? सर्कस में मिलता है. कुंभ मेला कब होता है? 12 साल में एक बार होता है, ठीक है. ये फिल्म डबलिंग से आप करिएगा, ठीक है. ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर.